फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से मैं सिलाई का बेसिक कोर्स स्टार्ट कर रही हूँ। आज की वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ साधारण कुर्ती की ड्राफ्टिंग यानी सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग, और साथ में थेवरी भी दूंगी। इस थेवरी का बेनिफिट यहाँ रहेगा कि आप किसी भी साइज का सूट आसानी से बना इसे समझने के बाद। इसलिए हम जब भी सिलाई सीखने जाते हैं तो शुरुआत हमारे ड्राफ्टिंग से की जाती है, तो आज मैं आपसे वही शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सिंपल कुर्ती ड्राफ्टिंग, जब भी हमें कुर्ती की कटिंग करनी रहती है, कुर्ती सिलना रहता है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें मेजरमेंट लेना होता है। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, तो लंबाई 38 है हमारी कुर्ती की। शोल्डर 12 है, चेस्ट 36 है, कमर लंबाई 14 है, कमर 28 है, हिप्स 38 है, आगे का गला 5.5 है और पीछे का गला 6 है। आस्तीन की लंबाई 3.5 है और आस्तीन की गोलाई 12 है। अब ड्राफ्टिंग करने के की स्टेप, ड्राफ्टिंग कैसे करें उसकी स्टेप मैंने लिख रखी है। सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्ड करेंगे, 4 बार फोल्ड करेंगे। उसके बाद ऊपर से लंबाई का निशान लगाएंगे। हमें लंबाई का निशान लगाने के समय जितनी लंबाई है उसमें 2 इंच प्लस करना है। उसके बाद हम ऊपर से और फोल्ड कपड़े की तरफ से शोल्डर का निशान लगाएंगे। शोल्डर जितने हैं उसका आधा करेंगे, यानी शोल्डर 12 इंच है तो हम 6 इंच पर निशान लगाएंगे। उसके बाद बगल का निशान लगाएंगे, जहाँ हमने शोल्डर का 6 इंच का निशान लगाए थे, उसके नीचे से बगल का 6 इंच का निशान लगाना है। बगल का निशान लगाने के बाद हम चेस्ट का निशान लगाएंगे। फोल्ड साइड से चेस्ट 36 है तो 36 को 4 में भाग करेंगे। 36 को 4 में भाग करें तो 9 इंच आया, और 9 इंच में 2 या 2.5 इंच प्लस करेंगे। चेस्ट का निशान लगाने के बाद हम कमर लंबाई 14 इंच का निशान लगाएंगे। कमर लंबाई का निशान लगाने के बाद कमर जितनी हो उसको 4 में भाग करेंगे। जैसे कमर 28 है तो 28 को 4 में भाग करें तो 7 आया। अब हमें कमर 7 इंच पर निशान लगाते हुए 2 या 2.5 इंच प्लस करना है। जैसे 7 में 2 इंच प्लस करें तो 9 इंच आया, 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे कमर का। कमर का निशान लगाने के बाद हम हिप्स लंबाई का निशान लगाएंगे। हिप्स लंबाई हम 6 इंच लेंगे, कमर के नीचे से हिप्स लंबाई लेंगे। हिप्स 38 है तो 38 को 4 में भाग करेंगे तो आएगा 9.5। 9.5 में 1 इंच प्लस करेंगे, जैसे 9.5 इंच को 1 में प्लस करा तो 10.5 इंच आया, 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। हिप्स का निशान लगाने के बाद हम हिप्स को कुर्ती की जितनी लंबाई का निशान लगाए हैं थे, हिप्स को लंबाई से मिलाना है। नोट, सूट की कटिंग 4 फोल्ड में करेंगे। सूट बनाने के लिए 2 मीटर कपड़े की ज़रूरत होती है। डिज़ाइन बनाने पर आगे और पीछे की कटिंग अलग अलग करेंगे। तो देखिए ये कुर्ती कैसे कटिंग करेंगे मैं ये बता रही हूँ। देखिए ये फोल्ड साइड है, ये 4 फोल्ड कर देंगे। यहाँ से हमें लंबाई का निशान लगाना है। लंबाई 38 है तो 38 को 2 में प्लस करेंगे तो 40 आएगा। यहीं से हमें शोल्डर का निशान लगाना है। शोल्डर हमारे 12 है, उसको आधा करेंगे तो 6 इंच आएगा। बगल अभी हमें 6 इंच लेनी है इस तरीके से। यहाँ से चेस्ट का निशान लगाना है, 6 इंच 36 एक तो 4 में भाग करेंगे तो 9 आएगा, और 9 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 11 इंच पर निशान लगाएंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और बगल की गोलाई बना देंगे। यहाँ से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है,
अब बचा पांच, तो पांच में आधा करेंगे तो ढाई आएगा, और यहाँ से हम आधे इंच का निशान लगाएंगे और आगे की बगल की गोलाई बनाएंगे। अब कमर लंबाई का निशान लगाना है, कमर हमारी लंबाई 14 है, 14 इंच पर निशान लगाएं यहाँ से। अब यहीं से हमें कमर का निशान लगाना, कमर 28 है तो 28 को 4 में भाग करेंगे तो 7 आए, और 7 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 9 इंच पर हम निशान लगाएंगे, और चेस्ट को कमर से इस तरीके से मिला देना है। अब हिप्स लंबाई लेंगे, हिप्स लंबाई 6 है, 6 पे लगाया हमने निशान, हिप्स 38 है तो 38 को 4 में भाग करेंगे तो 9.5 आएगा, और 9.5 में 1 इंच प्लस करेंगे तो 10.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हिप्स को भी लंबाई से हमारी मिला देना है, जो कुर्ती की लंबाई है। तो देखिए हमारी कुर्ती की भी ड्राफ्टिंग हो गई है। अब आस्तीन स्लीव्स यानी बाजू की ड्राफ्टिंग और थ्रेडी, ये भी सबसे पहले आस्तीन का नाप लेंगे, आस्तीन की लंबाई 3 है, 3 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 4.5 आएगा। बाजू की चौड़ाई 4 फोल्ड में चेस्ट को 5 में भाग करेंगे, बॉटम की लाइक 12 इंच है। आस्तीन की ड्राफ्टिंग कैसी करनी है, इसके लिए कपड़े को 4 फोल्ड में कर देंगे, और फोल्ड साइड से आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे, और खुली साइड से हम ऊपर से 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और मछली जैसा शेप देंगे। उसके बाद दोनों बाजू को की एक एक साइड उठाते हुए 0.5 इंच डाउन करते हुए गोलाई देकर कटिंग कर देंगे। उसके बाद सबसे नीचे बॉटम यानी गोलाई का निशान लगाएंगे, अगर गोलाई 12 है तो आधा करेंगे, ये 12 का आधा आएगा 6 इंच, 6 इंच में हम 2 इंच प्लस करेंगे यानी 8 इंच पर निशान लगाएंगे। देखिए इसकी ड्राफ्टिंग हम किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले हमें आस्तीन लंबाई हमारी 3 है तो 3 में 1.5 इंच प्लस करेंगे तो 4.5 इंच आएगा, लंबाई का निशान लगाएं। यहाँ से हमें चेस्ट का निशान लगाना, चेस्ट 36 है तो 36 को 5 में भाग करेंगे तो 7.2 आएगा, तो 7.2 में हम 2 प्लस करेंगे तो 9.2 आएगा, टोटल 9.2 पे निशान लगाएं। ऊपर से हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है, और मछली जैसा शेप देना है, इस तरीके से मछली जैसा शेप देना डाउन करते हुए। अब बॉटम की गोलाई हमारी 12 इंच है तो उसको आधा करेंगे तो 6 आएगा, और 6 में 2 इंच प्लस करेंगे तो 8 आएगा, 8 इंच पर निशान लगाएं, और ये 3.5 को 8 इंच से इस तरीके से मिला देना है। अब जो आगे की गोलाई होगी वो उसको खोलकर आस्तीन को इस तरीके से गोलाई दे देंगे। तो देखिए मैंने थ्रेडरी और ड्राफ्टिंग दोनों आपको बता दिए, मुझे यकीन है कि आपको आसानी से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट कर जाकर जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू।